चित्रकूट के शिवरामपुर कस्बे में स्थापित लैला बाबा सरकार मंदिर में धूमधाम से हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया। वहीं इस मंदिर में स्थापना के बारे में काफी रोचक किस्सा भी बताया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के बंधवा स्थित लेटे बड़े हनुमान मंदिर में आज मंगलवार को हनुमान अवतरण दिवस पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन पूजन के लिए उमड़ी है। इस दौरान महंत बलवीर गिरी महाराज ने बताया कि नगर कोतवाल का 108 लीटर दूध, 31 लीटर दही, 11 किलो घी, 11 किलो शहद, 11 किलो रस और 51 किलो पंचामृत इत्यादि से महाअभिषेक किया जाएगा। वही आए हुए श्रद्धालुओं के लिए मंदिर परिसर में भंडारे के आयोजन के साथ साथ आए हुए भक्तों को तेज धूप से बचाने के लिए टेंट की भी व्यवस्था और सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज का ये बहुत बड़ा मंदिर है और यहाँ लोग बहुत श्रद्धा से दर्शन करते हैं। हम लोग भी इसी वजह से आए हैं, काफी यही के हैं, बहुत दूर के नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बहुत अच्छी मंदिर है प्रयागराज का। बहुत पहले जो थी वो मेरी प्राइवेट थी, हाँ कुछ तो थी, तभी आए थे, आते थे। आज हनुमान जयंती थी, हम लोगों ने क्या कहते हैं सुबह स्नान करने के बाद अपने पावन श्रद्धेय बाबा हनुमान जी का दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। हम तमाम छात्र यहाँ पे एक लंबी श्रृंखला के रूप में आप भीड़ यहाँ पे देख सकते हैं। बाबा का श्रृंगार का दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बस इस एक मूल जो होती है कि भविष्य के लिए करियर के लिए। प्रतापगढ़ से पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां डायल 112 की वजह से वैद्य की जान चली गई। दरअसल जौनपुर के रहने वाले अली हसन प्रतापगढ़ के सुगाही बाग स्थित जयसवाल भट्टा के पास संदिग्ध परिस्थितियों में जमीन पर लेटे हुए नजर आए तो लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन डायल 112 के पुलिस कर्मियों ने बिना जाँच पड़ताल करे बुजुर्ग को वहीं पड़ा रहने दिया, जिसके बाद दूसरे दिन पास गड्ढे में अली हसन की लाश मिली है। इटावा के सफाई में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर आरोप है कि उसने दूसरे को फंसाने के लिए खुद को गोली मारकर घायल किया है। पूरा मामला बसरेहर थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम नगला चैनसुख में पवन कुमार नाम के व्यक्ति ने 16 अप्रैल 2024 को पुलिस को सूचना दी थी कि उसकी किसी ने गोली मार दी है, जिसके बाद युवक को उपचार के लिए सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया था। पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जाँच कर रही है। थाना बसरेहर पुलिस द्वारा अभियुक्त पवन निवासी हर्राय को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से एक नाजायज तमंचा 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त से पूछताछ की गई तो पूछताछ में इसने बताया कि ये तमंचा मेरा ही है और मैंने इसी तमंचे से 16 अप्रैल को अपने विपक्षी को फंसाने के उद्देश्य से नगला चैनसुख पर अपने आप को गोली मारकर घायल कर लिया था। इस सूचना पर पुलिस भी मौके पर गई थी, लेकिन इसके द्वारा किसी का नाम नहीं बताया गया था, लेकिन परीक्षण से ये इसके हाथों पर बारूद की गंध पाई गई थी। सभी तथ्य पुष्टि होने पर इसको निगरानी में रखा गया था और तमंचे के साथ इसमें गिरफ्तार किया। लखनऊ के जानकीपुरम में AKTU के पास सीवर में बच्चा गिरने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, नगर निगम, NDRF, SDRF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और सीवर में गिरे बच्चे को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया। वहीं मौके पर मौजूद एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में बच्चे को भेजा गया। खबर कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र के हरदुआ गांव से है, जहां घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी के सिर पर खलबट्टे से वार कर दिया। इस वार से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं महिला घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया। वहीं महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।